हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्यपुस्तक दीक्षित। इसमें से कक्षा 10वीं का है हिंदी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग गणित का ना देखे होंगे तो चैनल में जाइएगा, वहाँ गणित का वीडियो आ गए हैं। 1 से 3 लेसन तक आ गए हैं और आएंगे। और अभी हम हिंदी का पढ़ रहे हैं, जो कि ये काव्य खंड, ये त्रैमासिक परीक्षा में आना ही आना है, इसी से आएंगे कुछ। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित देखेंगे। यहाँ जैसे कि लिखा है, काव्य खंड पाठ सारांश कठिन शब्दार्थ संपूर्ण पद्यांशों के संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या तथा पाठांतर, ठीक, इसमें से देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें से संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे, जो कि यातायात पेपर में, और ये आएगा ही त्रैमासिक में, मोस्ट है वार्षिक में भी आएगा। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पास कुछ कठिन शब्द क्या थे, जैसे भगवाड़ी, भगवागी मतलब भगवान, अपरस यानी आपत्ति, नीरस अछूत, तांगा बंधन, उरैनी पात कमल का पत्ता, दागी दब्बा, ठीक। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जैसा कि प्रीति नदी, प्रेम की नदी, पाँव पैर, ये सब हैं कुछ। अवधि यानी समय, आधार आधार, आवन अगवन, विधा व्यर्थ कष्ट, ठीक। तो दोस्तों देखिए, जैसे विधा यानी व्यर्थ कष्ट, बिराहनी यानी वियोग में जीने वाले, बिरह दही, ठीक दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसमें से कुछ व्याख्या हम लोग करेंगे, और यही व्याख्या हमें पेपर में करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे करना है, अगर जहाँ सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, मतलब जहाँ अर्थ ना समझ आएगा, वहाँ भी जैसे आपसे जो बनता है वही लिख सकते हैं। जैसे पहला क्या है, उद्योग तुम हो अति बगवा बाग भागी, बड़ भागी मतलब भगवान। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, उरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागा परागी, सूरदास अबला हम भोली तुम चाटी जो पागी, ठीक दोस्तों। संदर्भ प्रसंग लिखना है, संदर्भ में हमारा ये है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षित भाग 2 के पाठ पद से लिया गया है। इसके रचयिता बादशाह रस के सम्राट सूरदास जी, ठीक दोस्तों। आप लोगों में कुछ भी होगा, अगर सब्जेक्ट यहाँ दीक्षित भी गया है, कुछ भी होता है तो वही लिखते हैं। हमारी प्रस्तुत पद्य, जैसे पद्य तो पद्य, हमारी पाठ्य पुस्तक अगर जो होगा, जैसे कि आप लोग अगर 11th 12th के देखेंगे तो वहाँ भी ये बना सकते हैं। पास दीक्षित या कुछ और लिख सकते हैं, जो सब्जेक्ट का नाम होगा। पाठ के पद से लिए, पद से लिया गया, वहाँ भी देख सकते हैं किससे लिया गया है। इसके रचयिता वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी, ठीक। अगर एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वात्सल रस के सम्राट कौन है, तो सूरदास जी हैं, ठीक। इसके बाद है प्रस्तुत, इस प्रसंग जहाँ है तो वहाँ लिखना। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव जी की प्रेम संबंधी उदासीन पर व्यंग करते हुए उन्हें बड़ा भाग्यशाली बतलाया है, ठीक दोस्तों। ये सारांश प्रसंग का मतलब, इस पूरे उसका थोड़ा भाग हमें लिखना पड़ता है, जैसे कि पूरे में क्या बोल रहा है, जैसे टाइटल लिखते हैं उस तरह का क्या बोला है, ठीक। व्याख्या में गोपी उद्धव जी से कहते कि आप तो बहुत भाग्यवान हो जो प्रेम जाल से सदैव दूर रहते। जैसे मैंने लिखा ना, उद्धव तुम तो अति बड़भागी, मतलब बड़भागी को वहीं मैंने देखा था, ऊपर लिखा था भगवान। तो ये कह रहे हैं कि आप तो भगवान हो जो प्रेम जाल से सदैव दूर रहते हो। इसके आगे लिखा, अपरस रहत स्नेह तगाम नाहिन मन अनुरागी। तो इसके बाद यहाँ पर जैसे आपके मन में किसी अन्य के प्रति प्रेम भावना नहीं है, अपरस है, अपरस दूसरा हो सकता है, कहाँ है अपरस, यानी आपत्ति नीरज अछूता, ठीक। तो अपरस राहत स्नेह, स्नेही प्यार लगा है, लगा है नाहिन मन अनुरागी। तो भगवान हो जो प्रेम से दूर, आपके मन में किसी अन्य के प्रति प्रेम भावना नहीं है, अतः आप प्रेम परिभाषा नहीं जानते हैं, ठीक। जिस प्रकार कमल के फूल की पंखुड़ियां जल के पास रहते हुए भी लिप्त नहीं रहती, तथा जल ही एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती, ठीक। यहाँ बोला ना अपरस स्नेह, ठीक। उरैन पात है, वो कमल का पत्ता, राहत जल भीतर, मतलब जल के भीतर ही रहता है, तह रस देह न दागी, फिर भी वो
पानी को नहीं टच कर पाता, जैसा कि यहाँ पास यह लिखा है कि अतः प्रेम की परिभाषा नहीं जानते प्रकार, जिस प्रकार कमल के फूल की पंखुड़ियाँ जल के पास रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं रहती, अतः जल की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती। ठीक, इसके आगे देखते हैं। आगे यहाँ पास है, ज्यो जल माह तेल की गरी बूंद न ताको लागी, यहीं पास यही बता रहा है कि पास जाता है पंखुड़ी जल में से अछूती रहती है, जिस प्रकार तेल में सनी हुई मटकी को जल में भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण के रूप संदर्भ तथा प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पास है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। प्रीति नदी में पग पाऊना ब्यौरो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूली गुर जाटी ज्यों पागी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पास और हमारा हो गया। इसके आगे ये प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सत्यता तो यह है कि आज तक तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया। पग लिखा था ना, तो पैर का मतलब पैर नहीं डूबा, इसलिए तुम ना प्रेम परख परखे और ना ही प्रेम की परिभाषा पहचानते हो। ठीक, सूरदास बतलाते हैं कि उपयोग उद्योग से पुनः कहती हैं कि हे उद्योग हम भोली भाली अबलाएँ स्त्री हैं। ठीक, यहाँ पास दिखा रहा था ये लास्ट में सूरदास, अबला हम भोली गुर चाटी जो पागी। ठीक, हम तो भोली भाली अबला हैं, कहती हैं कि उद्धव से उद्धव भोली भाली अबला हैं, हम कृष्ण के रूप सौंदर्य में खोकर लिप्त हैं तथा उन पर मुग्ध हैं, हमारी दह प्रेमानुरक्त चींटी के समान है, जिस प्रकार चींटी गुड़ खाने के लिए शक्कर में उसमें लिपट कर मर जाती है। ठीक, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। ठीक दोस्तों, इस तरह जैसा कि समझ में आ गया है, ये सरल ही है। उद्धव तुम तो अति भगवानी बड़े भगवान हो, अपरस राहत स्नेह लाग तगा मैं नाहिन मन अनुरागी। अपरस भाग्यशाली गोपी जी कहते कि आप तो बहुत भगवान हो, जो प्रेम मन में किसी अन्य प्रेम भगवान भावना नहीं है, तब प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हैं। पुराइन पात राहत जल भीतर। ठीक दोस्तों, अगर मान लीजिए ऊपर वाले का पुनः समझ में आ रहा, अपरस वाले का थोड़ा सा, तो वही लिख सकते हैं कुछ जैसे कि अपरस राहत स्नेह लगा। ठीक, आप तो नहीं जानते हैं प्रेम, ना ही मन अनुरागी, ना ही मन लगाते। ठीक, पूरा ही निपात जैसे कमल का भीतर जल में रहता है, पानी के भीतर रहता है, फिर भी ता रस, ठीक ता रस देह ना दागी, फिर भी नहीं टच पर, जो जल माह तेल की गरी, जैसे जल में जल से सनी हुई मटकी नहीं डूबती है, बूंद न ताको लागे, एक भी बूंद नहीं लगती। ठीक, इसी प्रकार प्रीति नदी में पग न भ्यौरो दृष्टि न रूप परागी। ठीक, प्रेम की नदी में पग पसराओ दृष्टि रूप परागी। ठीक, सूरदास अबला हम भोले तुम गुर चाटी क्यों पागी। ठीक, तो हम लोग तो अबला हैं, भोली भाली, यहाँ पास बता रहे हैं जैसे कि गुड़ में चीटी लग जाती है फिर मर जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी हैं। ठीक दोस्तों, तो इस तरह ये वाला कर सकते हैं, एक बार और देख सकते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक दीक्षित भाग दो के पाठ पद से लिया गया, अगर आपकी बुक का नाम यही है तो फिर यही लिखना है, दीक्षित भाग दो के पाठ पद से लिया गया। ठीक, जैसा कि त्रिमासिक में ये आना ये ज़्यादा सरल दिख रहा है, ये त्रिमासिक में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको दो बार, एक बार पढ़ सके बस अपने सिलेक्ट सकते, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद लास्ट में आती है, प्रीत नदी में रूपक अलंकार है। ठीक, ये विशेष है, इसे भी अगर एक दो बन रहा है तो लिख सकते हैं, नहीं बना तो कोई बात ही नहीं। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, चाटी जो पागी में उत्पेक्ष अलंकार है, चीटी वाले में पुराइन पात में अनुप्रास अलंकार है, तथा संपूर्ण पद में उपमा अलंकार की छटा दर्शानी है। ठीक, जो समझ में आएगा वहाँ पास ये लिख सकते हैं, ब्रजभाषा का प्रयोग है, जो सरल साहस ठीक संगीतात्मक एवं गेय की प्रधानता है। इसके आगे देखते हैं दूसरा, ये वियोग रस की प्रधानता, चीटी के माध्यम से गोपियों की विरह दशा वर्णित है, जैसे चीटी अल पड़ जाती है गुड़ में, ये दूसरा है, दूसरा भी आ सकता है। मन ही माझ रही कहिए जाए कौन पे उधो नाही
परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन योग संदेशन सुन सुन विरहित विरह दही। चाहती होती गुहारी जितही तय उत तय धार वही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लाही। ठीक दोस्तों, एक बार दो बार से नहीं होता, दो बार पढ़िएगा इसको। पहले पूरा ये जो पैराग्राफ दिया रहता है, ठीक मन ही मन की माँ रही, मतलब मन ही मन में क्या कर रही है, अपने प्रिय कृष्ण से मिलने की आशा अपने मन में ही रखकर धूमिल हो रही, मन ही मन में आशा रख रही हैं। ठीक, मन ही मन में। और संदर्भ तो यही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक, दीक्षित भाग दो के लिया गया। ये सब में सेम ही रहेगा, सम का मतलब कि सिर्फ इसी वाले पार्ट में, ठीक है, सूरदास के पद वाले में। तो यहाँ मन ही माझ रही कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत काही। ठीक, प्रस्तुत इसमें पूरा सारा स्वर्ण का पता चलता है कि शॉर्टकट में प्रसंग का मतलब जैसे टाइटल लिखते हैं तो उसी तरह का छोटा सा लिखना होता है। ठीक, प्रसंग प्रस्तुत पद में मथुरा से ज्ञान का आदेश उपदेश देकर आने वाले उद्धव जी से गोपिया कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। कृष्ण ने हमारे मन ही मन व्यथा की नहीं समझा, हमारे मन ही बात को मन में ही रह गई। ठीक, यहाँ बोल रहे कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत काही। अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा सही, मतलब मन में ही हम विधा सहते रहे, वो नहीं आ मिलने। ठीक, व्याख्या गोपिया कहती है कि हे उद्धव जी, अपने प्रिय कृष्ण से मिलन की आशा हमारे मन में ही रहकर धूमिल हो गई है। मन ही मन माझ रही, माझ यानी धूमिल होता होगा। मझधार प्रार्थना। ठीक दोस्तों, तो यही है। ठीक, चलिए व्याख्या देखते हैं। गोपिया कहती है कि उद्धव जी, अपने प्रिय कृष्ण से मिलन की आशा हमारे मन में ही रह कर धूमिल हो गई। हमारे कृष्ण से यह आशा थी कि वे शीघ्र ही मथुरा लौट कर आएंगे, परंतु वे नहीं आए। हम सभी अपने मन की बात एक बार इसको भी पढ़ेंगे, फिर वहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, कृष्ण को बतलाना चाहती हैं परंतु उनके ने अपने पर, अब हम उन बातों को किसके समक्ष प्रकट करें। हमारे प्रिय कृष्ण परसों लौट कर आने की बात कहकर गए थे, परंतु वर्षों बीत जाने पर भी वे नहीं लौट पाए। हम उन्हें आने की आशा में समय का आधार, जैसे वहाँ आधार लिखा है तो यहाँ आधार बनाकर एक एक दिन गिनकर व्यर्थ करती रही। ठीक है, यहाँ भी देखते, कहिए जाए कौन पे उधाव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तनमन विधा, मतलब आस अवधि, अवधि के मतलब आशा हम लोग लगा के बैठे हैं, तन मन में बिथा हो रहे हैं। ठीक, आ नहीं पा रहे हैं, आ नहीं कृष्ण की बतलाते, परंतु अब हम उनको बातों में किससे समक्ष प्रकट करें। ठीक, आने की बात कही थी, बरसों बीत गए वह भी नहीं लौटे। यहाँ पास क्या लिखा है, अब इन योग संदेहन सुन सुन बिरहिनी विरह दही। चाहत हुत गुहारी जितही तय उध तय धार वही। तो यहाँ पास अनेक व्यथाएं अर्थात कष्ट सहना सह करने पड़ रहे हैं। उन्होंने आशा समय समय के आधार बनाकर एक गिन गिन कर व्यतीत कर। ठीक, तो अब तुम्हारे द्वारा योग ज्ञान के संदेह को सुनकर हम कृष्ण के विरह में चलने वाली गोपियां विराहगिनी में जलने लगी हैं। ठीक, जिधर से हम इस विराहगिनी से रक्षा हेतु पुकारना चाहती थी, उधर से ही यह प्रचंड अग्नि की ज्वाला प्रवाहित हो रही है, अर्थात अपने जान विदेश विरह की आग में जल रहे हैं। इसके आगे लिखा है, सूदा सब धीर धार क्यों मत मर ज़्यादा ना लागी, मतलब धीरज धरो। देखते हैं कभी सूरदास जी लिखते हैं कि
गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि अब हम किस प्रकार का धैर्य धारण करें, किस प्रकार का रुकें। उन्होंने तो यह उज्जैन का संदेश लेकर और भेज दिया है। उन्होंने तो अपनी सभी मर्यादाओं की सीमा को तोड़ दिया। अब हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें। तो दोस्तों, तो इस तरह कर सकते हैं इसका। और हम यहाँ पास देखिए, विशेष कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम की चित्रण कर रही है यहाँ पास। तो यही कह जाए कौन पे उद्धव नहीं परत, कहीं अवधि धारत आस आवत की तन मन विथास। देखे गए अभी तक नहीं। अब इन जोर सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दाही जाति होती गुहाई। ठीक उधर सूदास जी धीरज धरिए क्यों मर्यादा न लग। ठीक है, हम धीरज कितना धरे किससे बताएं। ठीक, और हम इसको छोटा करके देख लेते हैं, जैसे कि दोनों साथ में जाएंगे आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग के पास बुक है वहाँ से मिला के इसको कर सकते हैं। ठीक, इसके क्वेश्चन भी देखेंगे एक बार, इसको देख लेंगे तो लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगी ये वाला। इसका प्रसंग व्याख्या और इसी से क्वेश्चन भी आएंगे। ये अवधि आधारास आवन की पंक्ति अनुप्रास्त अलंकार है। ठीक, सुनी सुनी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। ठीक, पुनः पुनः सुन के मतलब सुनी सुनी बार बार पद में गए संगीतात्मक विद्यमान है। ठीक, इसमें भी वियोग रस है, पद नामक छंद है। ठीक, शब्दों का चलन वज्रभाषा। तीसरा है हमारे हरि हरिल की लहरी, हमारे हरि हरिल की लहरी मन कम बचन नंद चंदन उर। यह दृढ़ करी पक्करी जागत सोवत स्वप्न दिवस नीत कान्हा कान्हा जा री। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककरी, सूर तो व्यधित हमको ले आए देख सुनी ना करी। यह तो सुन तीन ही ले सौंपे जिनके मन चक्करी। ठीक, एक दो बार मैंने से दो बार पढ़ना हमें हरी हरिल की लकड़ी। ठीक, हरिल के लिए मतलब कृष्ण हमारे हरिल पक्षी जो होता है, एक हरी लकड़ी मतलब हरी पक्षी की लकड़ी के समान। यहाँ भी संदर्भ वही होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक। ठीक, जो यहाँ पास लिखे थे दीक्षित भाग दो से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ पुस्तक दीक्षित भाग दो के पाठ पद से लिया गया है। इसके जरिए तब बातलास के सूरदास जी। ठीक, संदर्भ वही रहता जैसे इसीलिए लिखा पुनर्वर। ठीक, प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपिया उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे कृष्ण तो उस हरिल पक्षी के समान है जो कभी लकड़ी से मुक्त नहीं होती है, तब वे हमें अति प्रिय है। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, हमारे हरि जो हैं तो हरि पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोबत स्वप्न दिशा। जागते भी सोते भी। ठीक है, इसका व्याख्या भी देखते हैं। गोपिया कहती हैं कि उद्धव जी, हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। ठीक, जिस प्रकार हरिल पक्षी उठते बैठते उड़ते समय अपने पंखों में लकड़ी या तिनका दबा कर रखता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन वचन करने से, वहाँ लिखा था ना कि स्वप्न वगैरह सब, नंद बाबा के बेटे कृष्ण को हृदय से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। हम तो सोते जागते, ये आ गया ना, स्वप्न में दिन में रात में कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिए जा रहे योग ज्ञान को सुनकर तो ऐसा लगता है कि मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली है। तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग लेकर आ गए हो जिसको हमने ना कभी देखा ना ही सुना और ना उनका उपयोग किया। ठीक, इसके आगे लिखा है यहीं पास, जैसे कि मन क्रम वचन नंद नंदन। ठीक, मन में वचन में कर्म का क्रम में काम करने। ठीक, याद रख कर पहाड़ी जागत सोबत जागते भी सोते सपने में दिवस कान्हा कान्हा रटती रहे रटती रहती हैं। सुनत जोर लागत है ऐसो ज्यो करुई ककड़ी, जैसे करु वाली ककड़ी आती है। सू तो व्यधि हम को ले आए देख सुनी न करी, यह तो सुर तिनका मन चकरी। ठीक,
आगे देखो कवि सूरदास जी लिखते हैं, गोपी उद्धव से कहती हैं कि यह जो योग ज्ञान का संदेह आप ऐसे लोगों को जाकर दे जिसके मन चकाई के समान चंचल एवं चलायमान हो। ठीक, इसके और यहाँ पास जैसा कि यहाँ पास अगर हमें जैसे वहाँ एक एक आता ना है कि इस तरह भर का आएगा पूरा, तो हमें ना पता चलेगा किससे लिया गया है। तो भाग दो हमें वहाँ याद करना पड़ेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पाठ्य पुस्तक दीक्षित भाग दो से जैसे वहाँ लिखा है लिया गया है, इसके पद पद से लिया गया। ठीक, जैसे सूरदास का तो हमें याद है, जैसे यहाँ सूर लिखा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ पद का है, सूरदास जी लिखे हुए हैं। ठीक, यहाँ एक तरह से उसका ट्रिक है याद करने की कि इस तरह से हमें ध्यान रहेगा कि कौन लिखा है अगर यहाँ सूर दिख जाएंगे। ठीक, इसमें भी है, इसमें भी है और चारों में है। मेरे कहने का मतलब ये कि सूर रचयिता जिसे पद से लिया गया है, रचयिता सम्राट के सूरदास जी। ठीक, रचना ही भूल जाते हैं कि कौन लिखा है, तो यहाँ भी सूर लिखा है, यहाँ भी इस वाले में भी, वहाँ भी सूर सूर, तो मतलब हमें समझ जाना है कि सूरदास जी ही इसे लिखे हैं। और सूरदास जी क्या लिखे हैं, पद। ठीक, तो ये भी हो गया। हमारे हरी हरी लकड़ी के समान एक पक्षी हरी लकड़ी के समान है। ठीक, मन क्रम पचन नंद दृढ़ कारी पहरी जागत सुबत। ठीक, जागते स्वप्न में दिखते हैं, डटते रहते खाना खाना, सुनत जोग लगत है सो जोग करुई ककड़ी करु वाली ककड़ी की समान, तू सो व्यधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। ठीक, इस तरह से है, आप लोग देख सकते हो। कवि सूरदास जी कहती, गोपी उद्धव से कहती हैं, योग जान का संदेश आप ऐसे लोगों को जाकर दें। ठीक, तो ये यहाँ पास विशेष लिखा है, गोपियों ने कृष्ण को कभी कभी अलग ना होने वाली हरिल पक्षी की लकड़ी के समान माना है। ठीक, जो ऊपर व्याख्या करेंगे उसी को यहाँ लिख देना है विशेष में, सुनत जोग ककरी में उपन्या उपमा अलंकार। ठीक, कान्हा कान्हा में पुकार पुनरुक्त अलंक पुनरुक्त प्रकाश। ठीक, जैसे भी अगर इस तरह का आएगा डबल डबल तो मतलब पुनरुक्त अलंकार, यहाँ भी इस तरह का थोड़ी थोड़ी देख सकते हैं, जैसे कान्हा कान्हा फिर और ऊपर एक ठो था जगत जगत कुछ ऐसे था ना, संपूर्ण पद में अनुप्रास्थ की छठा है सरल सहज ब्रजभाषी, ये तो लिख सकते हैं सम में कि सरल भाषा सहज है, वियोग रस सम में आ रहा तो ये भी लिख सकते हैं, पद में गय और संगीतात्मक है इस तरीके से। तो जैसे यहाँ सुन सुनी आ रहा था, ये सुन सुनी आ रहा था, तो यहाँ भी पुनरुक्त अलंकार। ठीक, अब चौथा देखते हैं, हरि है रजनीति पढ़ी आए समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए एक अति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोर संदेह पढ़ाए, उधो भले लोग आगे के हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई है चालक जू हुते चुराए, ये क्यों अनित करे अनूप अपूर्ण जो और अनित छुड़ाए। राजधरण में ठीक वही होगा संदर्भ, प्रसंग है प्रस्तुत पद में गोपिया अपने प्रीतम कृष्ण को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ मानती है, क्योंकि उन्हें गोपियों को बात समझने सुनने बिना योग साधन का संदेश भेजा दिया। ठीक, व्याख्या में देखते हैं, हरि के राजनीति पढ़ी आए, मतलब हरि की जो राजनीतिक बनी है। ठीक, क्या करे, एक गोपी अपनी प्रिय साखी से कहती है कि हमारे प्रियतम मथुरा जाकर बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं, वे हमारे साथ भी छल कपट का व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें उद्धव जी से द्वारा हमारे लिए योग संदेश भेजा है कि गोपिया मुझे भूलकर योग साधना करे, क्या संदेश तुम्हारी समझ में आया है, अर्थात क्या आप यह संदेश भेजना उचित है। ठीक, यहाँ बार बार क्वेश्चन किए हैं कि इस एक अति चतुर हुए पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, समाचार सब ठीक समाचार देते हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ने के लिए बोलते हैं, बड़ी बुद्धि जानी योग संदेश पढ़ाए।
ठीक ही योगा करो वगैरह। और जैसे कि नीचे लिखा है योग साधन करो, इस तरह के क्या देते हैं उनको, जान दे रहे हैं अर्थात यह संदेश भेजना उचित है। एक कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक छलिए थे क्योंकि उन्होंने हम सबको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, हमें स्वयं बिरह लड़फड़ता हुआ छोड़कर मथुरा चले गए। अब तो राजनीतिक में बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर और भी चालाक हो गए हैं, अपने मन फेर पर चालाक, ये लिखा चालाक तू हुए चुराए, ठीक ये राजनीतिक अब अनीति करे, अपनुप जो और अनिन छुड़ाए, राजधर्म यो सूर को प्रजा ने सताए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास ये लिखा कि बड़े बड़े ग्रंथ चालाक हो गए हैं, उन्हें अपने विशाल बुद्धि होने का परिचय देते हुए स्त्रियों को योग साधना का संदेश देते, ठीक है बुला के योग साधना करो, ग्रंथ वगैरह पढ़ो। होता है मथुरा की राजनीति में पढ़कर अब वो और अपने पराए को भेद ही भूल गए हैं, ठीक अपने और पराए मतलब अपना और पराए का भेद भूल गए हैं। ये सख हमारे पूर्वज बहुत ही परोपकार एवं सज्जन थे, जो दूसरों का हित करने के लिए इधर उधर दौड़ा करते थे फिरते थे। इसके विपरीत दूसरे उद्धर रूपी भ्रमण है, जो हम भोली भाली अवलाओं के सताने के लिए यहाँ चले आए हैं, ठीक। इसके आगे अब तो कृष्ण से हम इनकी कामना, ये बहुत बड़ा इसको पढ़ वस लेना है, ये ज़्यादा आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन इसको पढ़ वस लेना हो गया। एक दो बार चुरा कर ले गए थे लौटते कृष्ण से, हमें अनिन आचरण करने का आशा नहीं था, ठुकरा कर नीति होने की मार्गदर्शन चला, ठीक। कवि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते कि राजा का धर्म यह है, धर्म एवं कर्तव्य होता है कि उनकी प्रजा का कोई अत्याचार न करे, प्रजा के दुख को हर दूर किया जाए। परंतु कृष्ण ने तो अपने सुख स्वार्थ के कुब्जा से तो प्रेम कर लिया, हमें योग का संदेश भेज रहे हैं, ठीक। दोस्तों यहाँ पास क्वेश्चन है कि राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, ठीक, प्रजा के सहनशील होना चाहिए, सब चले देखते हैं। विशेष संपूर्ण पद में अनुप्रास्थ अलंकार की प्रधानता है, वियोग रस यहाँ भी लिखा है, वियोग रस अगर सूत्र आता है तो पूरे लिख देना है, ठीक। अब इसके सरल एवं सहज भाषा है ब्रज, ये भी पूरे लिख देना है, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, तो गोपियों द्वारा उस उद्धव को भगवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव जी कृष्ण के रूप सौंदर्य का समीप रहकर भी प्रेम जाल से दूर है, जबकि हम उनके प्रेम जाल में आज भी बंधे हुए हैं, ठीक। इसका मतलब गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का क्या व्यंग निहित है, इसका मतलब ये है कि वो कृष्ण के पास उद्धव जी कृष्ण के रूप सौंदर्य के समीप है, मतलब उनके पास रहकर भी प्रेम जाल से दूर है, जबकि हम उनसे उनके प्रेम जाल में भी आज भी बंधे हुए हैं, ठीक। यही व्यंग निहित है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पुष्प की पंखुड़ियों द्वारा तथा तेल में सनी हुई मटकी से, जिस प्रकार कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ तेल में सनी हुई मटकी पर जल उसकी बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उद्धव जी पर भी कृष्ण के रूप सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। दोस्तों जो हम लोग व्याख्या की थी वही अगर व्याख्या में थोड़ी बहुत कहीं नहीं बना तो ये अगर याद रहेंगे क्वेश्चन आंसर तो लिख सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर नहीं बना तो व्याख्या से समझ के लिख सकते हैं, ठीक। तुलना की गई मटकी से, जैसे कि पंखुड़ी तेल में सनी हुई मटकी से, जिस प्रकार कमल पुष्प पंखुड़ी तेल में नहीं सनी, ठीक, कोई असर नहीं पड़ता पानी को। सिर्फ गोपियों ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उलझाए दिए हैं, उलाहने दिए हैं, मतलब उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उलाहने मतलब वो दिए हैं कि ऐसे ऐसे काम किए हैं उन्होंने,
कमल पुष्प का उदाहरण देकर उद्धव कृष्ण प्रेम के विरक्त बतलाया है। तेल की गगरी का उदाहरण देकर उद्धव को कृष्ण प्रेम से विरक्त बतलाया है। प्रीति नदी का उदाहरण देकर प्रेम रहित मधुकर उदाहरण देकर हृदय वाला माना है। ठीक, आप लोग देख सकते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश से गोपियों की विराहनी में घी का काम कैसे किया। छोड़कर मथुरा चले गए थे श्री कृष्ण, गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। उनके वापस आने की आशा में गोपियां कृष्ण की राह देखती रहीं। जब कृष्ण उद्धव जी के माध्यम से गोपियों के लिए जान का संदेश भेजते हैं तब गोपियों अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं और उनकी विराहनी प्रचंड हो जाती है। इस प्रकार योग संदेश से गोपियों के विराह में घी का काम करता है, मतलब और गुस्सा हो जाती है। ठीक, मर्यादा ना लागी के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है। ठीक, मर्यादा ना लाने माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम का मर्यादा ना रहकर उन अवलाओं का योग ग्रहण करने की बात कही गई है। उद्धव कहते हैं कि जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा को स्वयं ही तोड़ दिया तो वो किस प्रकार का धैर्य धारण कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। ये प्रश्न बैंक आ गए, वहाँ भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह, यही वाले क्वेश्चन, तो यहाँ से पढ़े रहेंगे तो वहाँ आसानी होगी। और ब्लू प्रिंट भी आ गया है, मैथ का बना दिया, मैं इसका भी बनाऊँगा जल्दी हिंदी का। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। कृष्ण के प्रेम के लिए गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हरिल पक्षी की लकड़ी की तरह ही हमने भी कृष्ण को मन वचन कर्म पकड़ लिया है। हम तो स्वप्न में सोते जागते समय भी कृष्ण कृष्ण पुकारते। ठीक, सोते भी जागते भी पुकारते रहते। गोपियां उद्धव से यह भी कहती हैं कि हम कृष्ण की अनन्य प्रेम क्या है, परंतु अपने योग संदेह के सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। इसी तरह यहाँ भी यही सब सुनकर घी डालने का काम कर रहा था। ठीक, योग वगैरह सुन के मतलब और गुस्सा करने का। गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। गोपियों ने उद्धव की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही जिनके मन चक्करी के समान चंचल तथा चलायमान होते हैं। वे जिसे देवता को प्रसन्न करते हैं तो कभी भी अन्य देवताओं को या तो सूर्य निहित तय लय सौंपे जिनके मन चक्करी। ठीक, जिनका मन कैसे हो, चंचल हो, उनको सौंपो। योग साधन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ठीक, ये देख सकते हैं गोपियां योग साधन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। योग साधन का मार्ग अग्नि के समान जलने वाला दुख है, देने वाला है। योग साधन का संदेश गोपियों को विराहिणी को और अधिक प्रचंड कर रहा है। उन्हें योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कौन क्या होना चाहिए। ठीक, ये पेपर में आ सकते हैं, आते हैं। जितने सारे टिक लगे वो ज़्यादा आते हैं, प्रश्न बैंक में भी हो सकते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म वह अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार न होने दे, स्वयं भी अत्याचार न करे, प्रजा के प्रत्येक दुख को समाप्त कर रहे उसे पहुँचाने का प्रयास करे। ठीक, समाप्त करने का राजा धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए, मतलब प्रजा को न सताए और ना ही किसी और से सताने दे, नुकसान पहुंचाने दे। ठीक, तो इसके बाद देख सकते हैं आप लोग, ये सारे क्वेश्चन हो गए, इन्हीं में से आएंगे। ठीक, इसके आगे आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा उपयोगी नहीं रहते हैं, बस वहीं आएंगे, वहीं को नहीं क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। अब हम अगले वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास लिखे हैं। ठीक है, संवाद है, इसको भी देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ होंगे।
और लाइक करिएगा ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ सके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी ये आएगा, फिर इसके बाद सूरदास का जीवन परिचय वगैरह, तुलसीदास का भी और गणित का आते रहेंगे। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए होंगे तो, और शेयर कीजिएगा।